हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग विद कुकिंग गप शप में। मैं चंदना आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक साग लेकर आई हूँ। इस साग को आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये साग कहते हैं कि ये हीमोग्लोबिन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो हम इसको इस तरह से काट लेंगे और फिर हम इसको कैसे कुक करते हैं उसके तरफ चले जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसको जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है उनके लिए ये तो बहुत वरदान है। ये साग अक्सर जंगल में ही खेतों के किनारे किनारे भी मिलता है, मतलब ये जंगली साग है। तो आप लोग इसे अगर आपके एरिया में भी है तो आप इसे ज़रूर खाइएगा। ये हीमोग्लोबिन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो यहाँ हमारा कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और यहाँ पर हमारे यहाँ इधर कोलकाता में साग में डालने के लिए एक फोड़न आता है, उसको रांधुनी कहते हैं। तो ये है वो कुछ कुछ जो अजवाइन जैसे दिखता है, तो उसको भी इसी में हम डाल देंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब ये हमारे कटे हुए साग हम इसमें डाल देंगे। साग को हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक और हल्दी भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मिर्चा भी हम साथ ही में डाल देंगे। इसको हम भून लेंगे, देखेंगे कि ये पानी छोड़ रहा है। तो जब ये भून जाएगा तो पानी छोड़ना बंद कर देगा। इसको हम ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से भून गया है। इसमें अब बिल्कुल पानी नहीं छोड़ रहा है और ये क्वांटिटी में भी कम हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी बिल्कुल ज़रा सा ही डालिएगा, क्योंकि इस साग का ना इसी तरह से इसका जूस जो रहता है, ये साग जब इस पानी में अच्छे से उबलेगा, बॉयल होगा, तो इसी का ये जूस जो है यही जो है हीमोग्लोबिन के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसका एक टॉनिक भी आता है, तो मुझे नहीं पता आप लोग के यहाँ इसे क्या कहते हैं। हमारे यहाँ इस साग को कुल्टी साग भी कहते हैं, कूले खाड़ा भी कहते हैं। तो मैंने इसमें फ़िश ऐड कर दिया था। जो लोग फ़िश नहीं खाते वो लोग विदाउट फ़िश के भी इसे खा सकते हैं। इसको मैं ढक के और 2 मिनट पका लूँगी। बस अब हमें इतना ही चाहिए। अब हम इसको ऑफ़ कर लेंगे, फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। अगर आपको जैसे लगे कि पानी थोड़ा ज़्यादा है तो उस टाइम आप थोड़ा सा और इसको उबाल सकते हैं। मुझे लग रहा था थोड़ा पानी है तो मैं थोड़ा देर और उबाल लूँगी इसको। तो बस अब ये मेरा हो चुका है। अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से बनता है। इसको गरम गरम चावल के साथ खाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही हेल्दी है। इसको खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिनमें ब्लड की कमी है वो इसे ज़रूर खाएं, बहुत ही अच्छा ये ब्लड का सोर्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।